Assalamu alaikum and a very warm welcome to Dr. Nausheeba Salman and Skin Solutions. कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपनी स्किन का ख्याल रख रहे होंगे, अपने बालों का ख्याल रख रहे होंगे, अपनी सेहत का ख्याल रख रहे होंगे। सबसे पहले तो एक बात जो मैं आप सब लोगों को बार बार कहती हूँ लेकिन आज फिर कन्वे करूँगी वो ये है कि सनब्लॉक सिर्फ तभी आपको लगाना है जैसे जब गर्मियाँ हैं, जब सर्दियाँ आ जाएँ तो अब सनब्लॉक का क्या प्रॉब्लम है कि हम उसको लगाएं, हम उसे क्यों लगाएं? तो ये बहुत सारे कॉमन क्वेश्चन, कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस या फिर कन्फ्यूजन्स हैं जो कि मैं सबसे पहले क्लियर करूंगी। सबसे पहले तो ये कि सनब्लॉक गर्मियों में लगाना चाहिए और सर्दियों में उसकी ज़रूरत नहीं है, जबकि उसकी ज़रूरत गर्मियाँ सर्दियाँ हर मौसम में रहती है। क्यों? क्योंकि हमने अपनी स्किन को या सनब्लॉक के थ्रू हमने स्किन को सूरज की श्वाओं से बचाना है। जब सूरज निकल आया, सुबह हो गई, दिन हो गया, तो इसका मतलब है कि आपको सनब्लॉक लगाना है। अब नीचे बारिश हो रही हो, बादल आए हुए हो, सर्दी हो या गर्मी हो या बाहर का मौसम हो, हमें सन प्रोटेक्शन देना ही है। अब हम आ जाते हैं एक और कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन, मैं तो घर में ही रहती हूँ, मैं तो घर से बाहर ही नहीं जाती हूँ, तो मुझे क्यों सनब्लॉक लगाना है? आपको इसलिए सनब्लॉक लगाना है कि सन रेज जो होती हैं वो मुख्तलिफ तरह की होती हैं। कुछ रेज जो हैं वो रुक जाती हैं और कुछ जो हैं वो फिर भी खिड़की के थ्रू घर के अंदर आ जाती हैं, और स्किन को बचाने के लिए सनब्लॉक लगाना ज़रूरी है, चाहे आप घर से बाहर हो, चाहे आप घर के अंदर हो। फिर एक और बड़ा ही कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन या कन्फ्यूजन है, जी हमें पता ही नहीं चलता कि हमने कौन सा सनब्लॉक लगाना है, ये केमिकल सनब्लॉक है, ये फिजिकल सनब्लॉक है, इसे क्या करना है। जो केमिकल सनब्लॉक होता है वो ये करता है कि वो आपकी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है और जितनी भी सन रेज आती हैं वो उनको एब्जॉर्ब करके और उनको ख़त्म कर देता है, उनके असर को ख़त्म कर देता है, ठीक है। और जो फिज़िकल सनब्लॉक होता है वो जब आप फेस के ऊपर लगाते हैं या कहीं पे इस्तेमाल करेंगे तो वो एक तो नज़र आएगा, वो अपेरेंट होता है, वाइट सा कलर होता है उसका, वो अपेरेंट होता है। दूसरी बात ये है कि वो रेज को, सन की रेज को स्किन के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होने देता, उनको रिफ्लेक्ट कर देता है, उनको रिफ्लेक्ट कर देता है या रिफ्लेक्ट कर देता है और वहाँ से हटा देता है। तो ये इन दोनों का डिफरेंस होता है, आपको फिजिकल सनब्लॉक लगाना है जो नज़र आता है या आपको केमिकल सनब्लॉक लगाना है जो नज़र नहीं आता है, बट लगाएं ज़रूर। आप दोनों में से जो मर्ज़ी लगा दें, फिजिकल तो कोई लगा नहीं सकता, ऑब्वियसली वो पॉसिबल ही नहीं होता, वो नज़र आ रहा होता है वो इस बुरे तरीके से शो हो रहा होता है कि कोई भी लगाना नहीं चाहता। तो उसमें यह है कि आप जो मर्ज़ी लगाएं, जो मर्ज़ी चूज़ करें, लेकिन आपने सनब्लॉक लगाना ज़रूर है। फिर आ जाता है कि हम कैसे चूज़ करें कि मुझे कौन सा सनब्लॉक चाहिए, उसमें कितना SPF होना चाहिए। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर तो आप घर के अंदर ही रहते हैं और आपको सनब्लॉक लगाना है तो फिर आपका जो सनब्लॉक है वो 50 SPF हो सकता है और उसको आप रीअप्लाई यानी कि जो दोबारा लगाएंगे वो आप 5 घंटे के बाद लगा लिया करें, और जब मगरिब हो जाती है, सूरज गुरूब हो जाता है, तो फिर आपको सनब्लॉक की ज़रूरत नहीं है, फिर उसके बाद आप ना लगाएं। जो लोग बाहर रहते हैं और घर से बाहर निकलना होता है उनका, और उनका काम ही ऐसा है कि आउटडोर एक्टिविटी बहुत होती है जिसमें स्टूडेंट्स भी आते हैं, जिसमें ऐसा काम करने वाले लोग जो कि क्या कहते हैं आउटडोर्स एक्टिविटी करते हैं, जिस तरह मार्केटिंग और इस किस्म के काम जो करते हैं, इवन जब आप घर से बाहर कोई गेम करने के लिए जाते हैं, वॉक करने के लिए जाते हैं, एक्सरसाइज करने के लिए जाते हैं, तब भी यही होगा। तो उसमें ये होता है कि अगर आप घर से बाहर हैं और सारा वक्त घर से बाहर हैं या शेड में नहीं हैं और आउटडोर्स ही हैं, तो फिर आप हर 4 घंटे के बाद उसको रीअप्लाई कर लें। फिर आता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो ओपन घरों में रहते हैं जिसमें बड़े बड़े सहन होते हैं, जिसमें बड़े बड़े वरांडास होते हैं, तो उसमें आपने क्या करना है? उसमें फिर आपने ये करना है कि आप हर 3.5 से 4 घंटे के बाद इसको रीअप्लाई कर लें। बेशक आप घर से बाहर नहीं हैं, आप घर के अंदर ही हैं, इंडोर्स हैं, लेकिन आप फिर भी उसको रीअप्लाई कर लें और इसी फ्रीक्वेंसी से आप रीअप्लाई करें, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन आ जाता है कि ये क्या, हमें बड़ी कंफ्यूजन होती है, हमें समझ ही नहीं आता कि इसके ऊपर क्या लिखा हुआ होता है और ये हमने ये लेना है या क्या लेना है। एक तो मैंने आपको बता दिया कि SPF फैक्टर जो है वो 50 या 50 से ज़्यादा हो। एक और चीज़ होती है कि इसके ऊपर प्लस का साइन भी डला हुआ हो। प्लस का साइन आपको ये बताता है, SPF आपको बताता है कि UVB रेज जो है उससे ये आपको बचा रहा है, और जो आपका प्लस का साइन होता है वो आपको बताता है कि ये UVA की कवरेज दे रहा है, UVA से भी बचा रहा है।
तो उम्मीद है कि आप लोगों को काफ़ी सारी क्वेरीज क्लियर हो गई होंगी, कॉमनली आस्ड क्वेश्चंस और उसके अलावा मिथ्स और उसके अलावा कन्फ्यूजन्स जो हैं मैंने उनको डिस्कस करने की कोशिश की है। बाकी आप मुझसे क्वेश्चन करते जाएंगे तो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। सन रेज से बचना क्यों ज़रूरी होता है? सन रेज से बचना इसलिए ज़रूरी होता है कि ये आपकी स्किन में डैमेज करता है। किस किस्म का डैमेज करता है? आपके कॉम्प्लेक्शन को, आपकी टोन को, आपके कलर को ख़राब करेगा, उसके साथ साथ एजिंग करता है। आप ये देख लें कि जो लोग घर से बाहर कम निकलते हैं या घर से बाहर जाते हैं और सन ग्लासेस इस्तेमाल करते हैं, आपको उनकी आईज की साइड्स के ऊपर लाइंस नज़र नहीं आएंगी, जबकि उनकी एज भी होगी ज़्यादा, लेकिन उसके बावजूद उनकी स्किन के ऊपर आपको जो क्रोज फीट है या आईज के अराउंड जो लाइंस होती हैं वो नज़र नहीं आएंगी। लेकिन एक ऐसा बंदा जो सारा दिन बाइक के ऊपर हर रोज़ जाता है और वो उसके साथ साथ सन ग्लासेस इस्तेमाल नहीं करता और सारा वक्त ऐसे आंखें रखता है और फिर धूप में बाइक चला रहा है या गाड़ी चला रहा है, तो आप देखेंगे कि उसकी स्किन के ऊपर जो आपको झुर्रियाँ नज़र आएंगी, जो आपको लाइंस नज़र आएंगी, वो एजिंग से रिलेटेड नहीं होंगी। वो एज कोई और होगी, लेकिन स्किन की एज जो है वो ख़राब होकर आपको कोई और एज शो कर रही होगी। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी स्किन को सन रेज से, हार्मफुल सन रेज से बचाएं। अब एक और क्वेश्चन होता है बहुत ज़्यादा, नहीं जी मैं तो धूप लेने के लिए, क्योंकि सर्दियाँ आ रही हैं तो मैंने ये टॉपिक रखा है, जी सर्दियाँ हैं तो धूप तो लगानी होती है ना अपने जिस्म को, तो सारे कपड़े आपने पहने हुए हैं और आपके सिर्फ खाली हाथ बाहर हैं और आपका फेस और नेक बाहर है इतनी सी, और फिर आप जो है वो पता नहीं कौन सी विटामिन डी बनाने के लिए बाहर बैठ गए हैं धूप में। जब आप बैठेंगे तो आप याद रखें कि आपकी विटामिन डी तो बननी नहीं है, क्योंकि वो इस तरह से बनती नहीं है। और दूसरी बात ये कि आपने कपड़े पहने हुए हैं तो विटामिन डी कहाँ से बननी है भाई, वो मुंह से तो बनने से रही और सिर्फ हाथों से तो बनने से रही, लेकिन आप देखेंगे कि आपके पूरी की पूरी जो स्किन है वो उसका टेक्स्चर भी ख़राब हो जाएगा, उसका कलर भी ख़राब हो जाएगा। उसी तरह से हाथ अगर आपके एक्सपोज थे तो हाथ भी ख़राब हो जाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको पता हो कि आपने इस तरह का सन एक्सपोजर नहीं देना। जी साइड चेंज करके बैठती हूँ, जो सूरज की तरफ मुंह करके नहीं, मैं उसको चेंज करके बैक करके बैठती हूँ, जी मैं तो सन ब्लॉक जो है वो लगा के बैठती हूँ, जी मैं ऐसे करके दुपट्टा रख के बैठ जाती हूँ, या इस किस्म की कोई भी चीज़, इन सब चीज़ों से आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। सन रेज आपकी स्किन को ज़रूर ख़राब कर लेंगी इसी तरह के एक्सपोजर से। तो इन सब बातों का आपको एहतियात करना चाहिए ताकि आपकी स्किन जो है वो एजिंग से भी बचे और उसका कलर और उसका टोन जो है वो भी अच्छा रहे। अब हम आ जाते हैं कि अगर सन डैमेज हो ही गया है स्किन के ऊपर, लेट सपोज कि आप हिली एरिया पे चले गए थे, आप वेकेशन पे चले गए थे, आप बीच पे गए थे और उसके बाद इतना ज़्यादा आपको सन टैन हो गया। जब सन टैन हो जाए तो उसके लिए बहुत अच्छा तरीका होता है कि आप LED थेरेपी यानी कि रेड लाइट जो है वो लें। रेड लाइट भी कहते हैं, LED थेरेपी भी कहते हैं, लाइट थेरेपी भी कहते हैं, कुछ भी इसको आप कह सकते हैं, तो आप वो लें। जब आप वो लेंगे तो जितना डैमेज होगा वो वहीं पे रुक जाएगा, वहीं पे ख़त्म हो जाएगा और रिवर्स भी हो जाएगा। अगर आप उसको, उस डैमेज को जो है वो इकट्ठा होने देंगे और ऐड ऑन होने देंगे, तो फिर आप देखेंगे कि बहुत जल्दी यानी कि एज से पहले ही आपकी स्किन पे फाइन लाइंस, ओपन पोर्स, सैग और उसके अलावा आपकी जो स्किन की टोन है, जो कलर है, वो ख़राब होना शुरू हो जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है कि अगर सन डैमेज हो गया है तो आप उसको उसी वक्त रिवर्स कर लें। अगर आप रिवर्स नहीं करेंगे तो वो फिर आपकी स्किन को डैमेज करता रहेगा।